रानी सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ चुका है जी। आपको बता दें नीतीश कुमार जिस तरीके से फिर से खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं, माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है और दिलीप जायसवाल को अब नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके बाद अब बिहार में एक नई सियासत में कहीं ना कहीं हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को साधने का प्रयास कर रहे थे। वहीं नीतीश कुमार भी विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल कर रही है, वे किस तरीके के समीकरण बनते हैं, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बता दें नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव आने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के अंदर खाने में इस तरीके के बयान दे देते हैं या इस तरीके की हरकतें कर देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को किनारा करना पड़ जाता है। वही हाल इस बार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पहले ही नीतीश कुमार कुछ ज्यादा उल्टा करते तो देखा गया कि पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने ही बदल दिया। संसद में जाकर महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार लताड़ते हुए नजर आते हैं, फटकार लगाते हैं कि अरे तुम महिला हो, चुप रहो, तुम्हारे लिए 2005 में हमने कितना काम किया था, ये भी वीडियो आपको दिखा देते हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो सुन लीजिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। लोग इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो? इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया। जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%। तो देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार संसद में महिलाओं को रोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए, ये मामला पूरा समझा जाए, तो नीतीश कुमार चाहे किसी की भी सरकार बने, मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। ऐसे में 9 बार के मुख्यमंत्री हैं। अब माना ही जा रहा है कि 10वीं बार के लिए नीतीश कुमार पूरा पुरजोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार ना कर दे। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि एनडीए की सरकार जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीडीपी और नीतीश कुमार मदद से ही बनी है। ऐसे में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मनाया, क्योंकि रेल मंत्रालय के लिए नीतीश कुमार बार बार बात कहते हुए नजर आ रहे थे। वहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया गया। वैसे भी माना ही जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक साथ आते हुए दिखाई दिए, दोनों मीटिंग करते हैं, जबकि 2020 में दोनों के बीच काफी बड़ी अनबन देखने को मिलती है। लेकिन एक बार फिर से साथ में आना और बिहार के विशेष राज्य दर्जे की मांग करना और भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से फेरबदल करना और उनकी मांगों को दरकिनार कर देना, क्या इस बात के संकेत नहीं है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इसमें अपना एक तरीके से कह लीजिए कि सीएम पद बनने के दावेदार में नीतीश कुमार के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से अपने नियमों के हिसाब से ही जो है राजनीति की है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इसमें कुछ बड़े तरीके से अड़ंगा डालते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी का
इस तरीके से उनके पद से हटा देना, उनका मुरेठा हटा देना और जो वादा उन्होंने किया था उस वादे से मुकर जाना, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात कर ले तो वो कब किसके साथ पलटी मार जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तो बिहार के जो समीकरण है इसी तरीके से बनते हुए नजर आ रहे। तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब साधने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की ये जो राजनीति है जाते हुए नजर आती है, ये भारतीय जनता पार्टी इन बदलाव के चलते जीत दर्ज करेगी या हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि नीतीश कुमार इस बार पलटी मारेंगे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।